करके काफी लंबा पड़ रहा है हमारे को और लेट भी हो रहे हैं ऑफिस के लिए। ये रास्ते किसान आंदोलन के चक्कर में सारा बंद कर रखा है। किसानों की दिल्ली चलो आह्वान का सीधा असर दिल्ली वालों पर हो रहा है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये टीकरी बॉर्डर के पास से आ रही हैं, जहां दिल्ली और हरियाणा के बीच सफर कर रहे लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। वे सरकार और किसानों से ये अपील कर रहे हैं कि वे किसी तरह इस समस्या का हल निकालें, जिससे रास्ते खुल जाएं। परेशानी क्या है, वैसे साइड में रास्ता छोड़ा हुआ है बट व्हीकल हमारा आ नहीं पा रहा है, तो वहीं पर साइड में हमारे को खड़े करके आना। जी जी, अपनी स्कूटी से आते थे, जैसे स्कूटी वहीं साइड में खड़े करके आना। वॉक करके कितना डिस्टेंस जाना पड़ता है? वॉक करके काफी लंबा पड़ रहा है हमारे को और लेट भी हो रहे हैं ऑफिस के लिए। गवर्नमेंट से आप क्या डिमांड करेंगे, जैसे किसानों से बातचीत आज होनी है? हाँ जी, हाँ जी, क्या चाहते हैं आप? सर, हम यही चाहते हैं कि जैसे किसी का प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि अभी हम सब सफर कर रहे हैं, वो चीज़ ना हो, आपस में मतलब बैठ के आराम से बैठ के बातें कर जाए, ताकि ये जो हम मतलब आम जनता जो परेशानी कर रही है वो ना हो, ये चीज़ है। तो आपको लगता है कि आज जैसे सरकार की और किसानों की बातचीत है तो सफल हो पाएगी, तो ये रास्ता दोबारा खुल पाएगा? जी जी, सफल होना चाहिए और रास्ते खुल जाने चाहिए सर, क्योंकि देखिए हमारे लिए नहीं, जैसे कि सपोज करिए सामने हॉस्पिटल है, इमरजेंसी आता है तो एम्बुलेंस को कहाँ से घुमा के लेके आएंगे वो लोग? अब और काफ़ी कंडीशन ख़राब हो हॉस्पिटल में पेशेंट की, तो कैसे लेके जाएंगे? ये चीज़ देखनी चाहिए ना। अब इतने से रास्ते में एम्बुलेंस नहीं आ पाएगी, अब वो एम्बुलेंस यहाँ से घूम के कैसे आएगी, मैं नहीं पता ये चीज़ है। ये रास्ते किसान आंदोलन के चक्कर में सारा बंद कर रखा है, वहाँ शंभू बॉर्डर पे सारा बंद कर रखा है, आपने देखा है। इनकी मांगे जो है 10 मांगे तो इन्होंने कर दिया है, 3 मांगों पे अड़े हुए हैं ये। अब आप क्या करते हैं, कितने परेशान हो रहे हैं? हम तो बहुत परेशान हैं जी, अब तो उधर से पैदल इतनी दूर से आ रहे हैं, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल आ रहे हैं, परेशानी हो रही है, धंधे रोजगार कम, बेकार हो रहे हैं सारे। लेकिन ये रास्ते तो पुलिस ने रोके ना? रास्ते प्रशासन ने रोके हैं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी इसमें बताओ? प्रशासन ने रोके, प्रशासन के अंदर भीड़ भाड़ और ज़्यादा ना बढ़े पिछले साल की तरह जैसे हो रहा था, तो कैसे होगा इस पूरी समस्या? अब समस्या सरकार करेगी, अब हम क्या कर सकते हैं जी इसमें? आज बातचीत कह रहे हैं कि आज भी चंडीगढ़ में बैठक है, उम्मीद है कि हो जाएगा। देखो उम्मीद तो पूरी है। किस तरह की परेशानी हो रही है आपको आने जाने में? भाई साहब पूछो मत, हमें इतनी परेशानी हो रही है, एक कम से कम एक बंदे को आने जाने की रास्ता, कोई जो इस हॉस्पिटल में अगर कोई वैसे कोई मरीज आए, उनको कम से कम एक जो हम व्हीलचेयर में लाएंगे सामने से, एक व्हीलचेयर की रास्ता भी छोड़ सकता था ना। देखो हमें तो बहुत परेशानी आ रही है।